बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्रेप क्लास? तो ये है हमारा साइंस का सब्जेक्ट और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22, यूनिट नंबर 7 और पार्ट नंबर 4 है फोर्सेस, एनर्जी एंड मशीन्स। यूनिट नंबर 7 मूवमेंट में है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। जैसे कि इंसान है, वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। जो जानदार इंसान जानदार हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ इसी तरह चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। परिंदे उड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो आपने ये नीचे एक्टिविटी है, इसको आपने सॉल्व करना है और आपने इनमें से टिक करना है क्या कौन सी जो चीज़ है वो आगे पीछे जा सकती है खुद से, ठीक है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको खुद कैरी किया जाता है। तो आपने ये अच्छे तरीके से याद करना है, पढ़ना है और रीडिंग भी याद करनी है और ये एक्टिविटी भी करनी है। तो ये देखें इसको दोबारा से, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। तो आपने यही स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपने नीचे भी ये गौर करनी है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद करना है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।